नमस्कार आदाब, मैं हूं अर्शद बिसरूर। आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुख मेवात आज तक की टीम पहुंची है पलवल जिले के हतीन शहर के अंदर। यहां हम रेस्ट हाउस के जस्ट गेट पर हैं। यहां मेरे साथ में कुछ ग्रामीण हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके साथ में क्या कुछ फ्रॉड हुआ वो मैं जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं अंकल से जानने की कोशिश करूँगा, क्या नाम है सर आपका? मंगूराम जी। मंगूराम जी, आप बताइए कागज क्या है और क्या प्रॉब्लम है आपको? हमने 50,000 फिक्स करवा रखे, क्योंकि अब तक पैसे नहीं मिले, 1.5 महीने हो गए टाइम। अच्छा, कौन सी सोसाइटी है, क्या है पूरा मामला? जनशक्ति जी। जनशक्ति सोसाइटी क्या काम करती है? कि डेली पैसा लेती है हमसे। अच्छा, डेली वेज में पैसा? हाँ, जमा कराते हैं। आप दुकानदार हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, कितने दिन हो गए आपको? अब 1.5 महीने पैसे पूरे हो गए, अब तक पैसे नहीं मिले हमें। अच्छा, 1.5 महीने का टारगेट आपको फिक्स होता है? हाँ जी। जिसके 1.5 महीने? 6 महीने देते हैं हमें ये। अच्छा, 6 महीने में देते हैं? अब 6 महीने के ऊपर 1.5 महीने ऊपर चला गया। अच्छा, 6 महीने से 1.5 महीने ऊपर हो गया, अब तक पैसे नहीं मिले हमें। देखिए, ये जो बेचारे दुकानदार हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी का गुजारा करते हैं अपना, और यहाँ पर जो एक जनशक्ति नाम से एक कोई सोसाइटी है जो कि डेली वेज पैसा उगाते हैं गरीब लोगों से, जो कि छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, लेकिन 6 महीने का इनका टारगेट होता है। 6 महीने जिसके जैसे जैसे पूरे होते जाते हैं उनको पैसे वापस लौटा दिए जाते हैं, लेकिन इनका आज 7.5 महीना गुजर चुका है लेकिन इन लोगों का पैसा वापस नहीं लौटाया गया है, तो इसलिए इनकी परेशानी। तो आप क्या चाहते हैं? हमारे पैसे मिलने चाहिए जी। जी, टाइम पर ये यार। तो अभी वो जनशक्ति वाले जो है क्या कहते हैं आप लोगों से? रोज बहकारे, कल देंगे, परसों देंगे, आज देंगे, दे रहे हैं नहीं। ये कहते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव उड़ीथल है हमारा। उड़ीथल के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। रफीक है जी। आप क्या काम करते हो? मैं नाईपने काम करता हूँ। नाईपने काम करते हो, आप भी इसमें फंस गए हो? हाँ जी। कितना पैसा फंसा? 3 खाते हैं जी, 9,000 रुपए और के। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको? जी 3 महीने हो गए। 3 महीना? हाँ जी, 3 महीना से मिले। 6 महीने का टारगेट होता है ना? हाँ जी, 3 महीने ऊपर चले गए। अच्छा, तो मतलब 9 महीने हो गए आपको? हाँ जी, 9 महीने हो गए। ठीक है। देखिए, क्या नाम आपका? रफीक है जी। ये रफीक भाई है और इनको 9 महीना हो चुके हैं, मतलब 6 महीने से और एक्स्ट्रा 3 महीना जा चुके हैं, लेकिन इनका भी पैसा नहीं मिला है। तो क्या प्रॉब्लम आपको? मेरे जी खाते 6 महीना करवाया जी, 100 रुपये डेली का जी। अच्छा, 1.5 महीने ऊपर हो गए। क्या काम करते हो? बाल कटिंग के। बाल काटते हैं जी। तो 6 महीने से कितने दिन ऊपर चला गया? 3 महीने। आपको 9 महीने हो गए जी। देखिए, ये शाहून भाई है और जो है सैलून की दुकान है इनकी, एक छोटी सी। डेली 100 रुपये जमा करते थे डेली वेज में, लेकिन 6 महीने का टारगेट था लेकिन 9 महीना गुजर चुके हैं, इनका पैसा अभी तक भी वापस नहीं लौटाया है। प्रेस काम करूँ मैं। आप प्रेस करते हैं? देखिए, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे, मतलब ये छोटे मतलब दुकानदार हैं, बेचारा प्रेस करता है, कोई सैलून का काम करता है। आपके कितने पैसे मार लिए गए हैं? 28,000। 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीना हुआ आपका? हाँ। मतलब 7 महीने हुए आपके? चलिए चलिए, देखिए, दिन भर प्रेस कर कर अपना गुजारा करता है, लेकिन 100 रुपये पर डे जमा करता था, लेकिन 7 महीना गुजर चुके, 1 महीना ऊपर जा चुका है, इनका भी पैसा नहीं मिला है। किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से? जनशक्ति मल्टीपर्पज, जनशक्ति मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी, जो पैसे का लेन देन करती है जी, और हम लोग एजेंट के रूप में काम करते हैं। और मैं यहाँ पे जो एक सर्कल हेड के पद पे था, जो मेरे अंदर 54 ब्रांच थी जी, और 6 स्टेट का मैं वर्क करता था जी, जो कि मैंने 1 करोड़ रुपया जो यहाँ से जमा करवाया है जी, और आज सोसाइटी देने की स्थिति में नहीं है, और दिन प्रतिदिन जो है बहकाया जा रहा है जी, और मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है, और जान से जो है धमकी दी जा रही है कि आपको मारने की, कि आपको आपके बच्चों को जो है जान से मार दिया जाएगा, कि अगर आपने कहीं भी जो है कोर्ट कचहरी या थाने तहसील में कुछ भी जाके बोला था। देखिए, जब SRS का आपने नाम सुना होगा, तो करोड़ों अरबों रुपए जब डूबा था, तो ऐसे ही इस तरीके के जो एजेंट थे उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया गया था, यानी कि जो जनता थी, जो ग्रामीण थे, उन्होंने बुरी तरह से उन लोगों का पीछा किया था, क्योंकि वो तो उन्हीं को जानते थे, लेकिन अब वही क्या कर, उनके हाथ कट चुके थे, ऊपर से पैसा मार लिया था। तो इसी तरीके से ये जो छोटी सोसाइटी है, तो क्या मैसेज जिला प्रशासन को देना चाहते हैं, इसलिए कोई कंप्लेंट वगैरह किया आपने? नहीं, अभी नहीं की, आश्वासन के पीछे रुके हैं। मेरे पास ये मेरे पास बॉन्ड है, 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड है ये, और इन्हीं पब्लिक के पैसे हैं जो कि मैं अपने जो है 1 करोड़ रुपया, हाँ जी हाँ जी, मैं घर से निपटा रहा हूँ अपने उससे, मैं कर्जा कर करके अपने घर से निपटा रहा हूँ। पब्लिक समस्या नहीं है ये, पूरे जो है पूरे मेवात की और हरियाणा पूरे 12 स्टेट की समस्या है, वो पूरे 12 स्टेट में यही कहानी चल रही है। पूरे 12 स्टेट? हाँ जी, 12 स्टेट में यही कहानी चल रही है। जो बिहार है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, वो तो बिल्कुल ही एजेंट जो बिल्कुल काम छोड़ चुके हैं। यहाँ की जो हमारे हरियाणा वासी है जो एजेंट है वो बहुत ही, और हमारे जो कस्टमर होते हैं वो सीधे सज्जन होते हैं, जो जल्दी भी विश्वास कर लेते हैं, जो बहकावे में आ जाते हैं। मान लीजिए डूब गया पैसा, तो फिर आप लोग करोड़ों रुपए कहाँ से देंगे? संपत्ति है अपनी, संपत्ति बेच के देंगे। अच्छा, अपनी जमीन संपत्ति है, उसको बेच के देंगे हमें।
दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।